हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो 16 मार्च को एग्जाम हुआ है साइंस 1 का, इसके आंसर की बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एटॉमिक मासेस, सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑप्शन ए, थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25, फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मून, फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल। ऑड मैन आउट के अंदर यहाँ पे थर्मोमीटर ऑड है क्योंकि बाकी सब करंट से रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। कंप्लीट द कोरिलेशन के अंदर देखिए अल्कीन है तो अल्काइन के लिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी आएगा। ट्रू और फॉल्स में ये ट्रू है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज है इंडिया में। फोर्थ का करेक्ट आंसर आएगा 700 नैनोमीटर, मैच द कॉलम के अंदर। उसके बाद फिफ्थ का करेक्ट आंसर आएगा स्पुटनिक SPUTNIK। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 400 किलो कैलोरी। इस डायग्राम के अंदर देखिए ए जो है इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो बी है इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और उसके बाद कॉपर। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके फर्स्ट क्वेश्चन का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, सो 2+8+2=12। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है क्योंकि ये मैग्नीशियम है। उसके बाद टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें केपलर्स के 3 लॉज लिखना था क्योंकि ये डायग्राम केपलर्स के लॉ का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे एक पैसेज गिवन है और इस पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, तो इसका लीव एंड न्यूट्रल वायर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, तो देखिए इसका भी आंसर इस पैराग्राफ के अंदर गिवन है, बी का आंसर देखिए यहाँ से, इसे ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर, तो बेसिकली फ्यूज वायर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर फॉर शॉर्ट सर्किट के लिए यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डायग्राम गिवन है, सबसे पहले हमें लिखना था नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, तो ये क्या है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो 2 लॉज है वो आपको लिखना था इसके अंदर। उसके बाद नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन है। नेम 2 कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स गिवन है। उसके बाद देखिए इस डायग्राम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर, सो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है रिएक्ट विथ वाटर, तो इसके अंदर यहाँ पे 4 मेटल्स गिवन है, आप लोग कोई भी 2 मेटल्स लिख सकते थे। उसके बाद नेम 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, तो इसके अंदर देखिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आपको ये लिखना था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, इसके अंदर से आप लोग कुछ भी लिख सकते थे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग आयरन, टिन, लेड ये लिखते तो ये बेटर होता क्योंकि ये मिडिल का है। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी आपको गिवन है, जो सबसे टॉप पे मेटल से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और जो सबसे बॉटम पे मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इस वजह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के अंदर, तो इस वजह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के अंदर आप लोगों को ये जो मिडल में मेटल्स गिवन है इसमें से कोई भी 2 मेटल्स के नेम लिखना था। उसके बाद नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल, सो देखिए मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल के अंदर क्या आता है, गोल्ड है। मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर आता है सबसे पहले पोटेशियम। उसके बाद ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सो इसके अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, सो हमें क्या करना था, सिंपल 2 कार्बन ड्रॉ करके उसके 4 बॉन्ड्स में जितने भी बॉन्ड्स एम्प्टी बचे हैं मींस यहाँ पे सिंपली हमें हाइड्रोजन अटैच करना था। उसके बाद इसका नेम क्या रहेगा, इसका नेम रहेगा देखिए 2 कार्बन है यहाँ पे तो C2 और 6 हाइड्रोजन है तो H6। उसी तरह देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा वो रहेगा इस तरह, 3 कार्बन हमें लगाना है और उसके बाद फिर उससे हाइड्रोजन अटैच कर देना है और इसका नेम रहेगा प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसके अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन है तो C4 और 10 हाइड्रोजन है तो H10 और इसका जो नेम रहता है वो रहता है ब्यूटेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम आपको ह्यूमन आई का ड्रॉ करना था और उसके बाद फिर ये जो कुछ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर देना था। सबसे पहला क्वेश्चन था नेम द टाइप ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई, सो ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस रहता है। नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रेक्टेड, तो रहता है आयरिस। उसके बाद सी स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई, तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जो आपको लास्ट क्वेश्चन था वो ये था रस्ट के बेस पर, इसके अंदर हमें लिखना था व्हाट इज रस्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट यहाँ पर गिवन है Fe2O3 .H2O।
राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड। सो देखिए एनोड का रिएक्शन भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये एनोड है तो आपको सिंपली ये रिएक्शन यहाँ पे लिखना था, ये रिएक्शन। उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड। सो कैथोड ये है, तो कैथोड का जो भी रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखना था। सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट आंसर की था साइंस 1 के 2020 के एसएससी के बोर्ड एग्जाम का। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।